तुसी देख रहे हो जनहितैषी, मैं पटियाला तो चरणजीत सिंह कोहली। इस टाइम पटियाला दी तुहानूं वड्डी खबर दस दिए, पटियाला दे विश्व प्रसिद्ध थापर यूनिवर्सिटी दे विच करोना ब्लास्ट होया, जिहदे विच लगातार इत्थों दे जिहड़े विद्यार्थी है करोना पॉजिटिव आ रहे हैं। पहला तस्वीरां दिखा दिए, यह पटियाला दी थापर यूनिवर्सिटी है जिहदे विच देश विदेशों तो विद्यार्थी पढ़न लई आउंदे हैं। तस्वीरां यह पटियाला दी थापर यूनिवर्सिटी दी है। इत्थे तुहानूं दस दिए पिछले तीन दिनों तो लगातार करोना के मामले सामने आ रहे हैं। पहले दिन की गल करिए 12 विद्यार्थी उरे करोना पॉजिटिव आए सन, जिस तों बाद सेहत विभाग ने इत्थे सैंपलिंग का काम शुरू किया। अगले दिन 15 केस होर सामने आए, तो हुण अज की गल करिए 15 केसा तो बाद टोटल इस समय 500 सैंपल भरे जा चुके हैं, जिदे विच 69 जिहड़े मामले करोना के सामने आए, जिदे विच 69 स्टूडेंट करोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इत्थे तुहानूं दस दिए कि सेहत विभाग वालों बॉयज़ होस्टल नूं कंटोनमेंट जोन दे विच बदल दिता गया और लगातार इत्थे सैंपलिंग जारी है। इत्थे तुहानूं दस दिए कि थापर यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों भी इत्थे सख्ती की गई है, बिना आग्या दे बिना जाँच दे किसी नूं अंदर जाण नहीं दिता जा रहा। तस्वीरां कुछ ऐसियां भी सामने आईयां जिथे विद्यार्थी होस्टलों नूं छड्ड के अपने घरां दा भी रुख कर रहे हैं, पर सेहत विभाग वालों लगातार इत्थे सैंपल भरे जा रहे हैं। और तुहानूं इत्थे जानकारी देनी अहम समझांगे, पटियाला जिला पिछली बार कोरोना महामारी दे विच रैड जोन दे विच सी, सब तो वध इत्थे करोना दे मामले सामने आए सन और कई मौतां भी होईयां सन। तां तस्वीरां तुसीं जिहड़ियां हुण देख रहे हो, एक बार फिर करोना ने पटियाला विच दस्तक दित्ती है। थापर यूनिवर्सिटी दे विच इत्थे 70 दे करीब जिहड़े यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट है वह करोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उस तों इलावा शहर की गल करिए तां शहर दे विच भी काफ़ी केस करोना दे आए हैं। थापर यूनिवर्सिटी में लगातार जिहड़े करोना के मामले सामने आ रहे हैं, साडे नाल डॉक्टर समित है नोडल अफसर, जिन्हां की देखरेख दे विच थापर यूनिवर्सिटी में सैंपलिंग का काम चल रहा है। इन्हां तों जाणांगे पिछले 2-3 दिनों का की वेरवा हैगा, की पोजिशन है, डॉक्टर इस टाइम एकदम फिर करोना ब्लास्ट पटियाले दे विच होया, थापर यूनिवर्सिटी की गल करिए की पोजिशन है इस टाइम? थापर विच लगातार तीजे दिन सैंपलिंग जारी है, क्योंकि बच्चों की जिहड़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दौरान असीं नाल संपर्क लभ रहे हैं, उहदे विचों पॉजिटिव आ रहे हैं लगातार। तकरीबन 500 सैंपल उत्थे हो चुका है 3 दिनों के विच, ते जे होस्टल जिन्हों कंटेनमेंट लाया गया उस दे विच ही बच्चों के जिहड़े होर टेस्ट किए जा रहे हैं उन्हां चों पॉजिटिव आना जारी है। टोटल केस की गल करिए इस टाइम किन्ने स्टूडेंट हैगे जिहड़े पॉजिटिव आए हैं? 69 केसिस, जिहड़े 69 केस कल शाम तक दे साडी रिपोर्ट हैगी है, ते अज भी साडी सैंपलिंग जारी है, तकरीबन 300 टेस्ट अज भी होएगा। गल करिए अंदर 2-3 तरह होस्टल हैं, जिहड़े एक ही होस्टल के ये विद्यार्थी हैं या कोई अलग अलग होस्टलों के हैं? नहीं, जे होस्टल जो बॉयज़ होस्टल है उसके ही पहला केस आए सामने, तो असं उन्होंने ही कॉन्टैक्ट की भाल कर रहे हैं, तो उन्होंने सैंपलिंग जारी है। डॉक्टर साहब, ओमीक्रोन की गल की जाए, कोई ओमीक्रोन का केस भी तो नहीं है दोनों? नहीं, ओमीक्रोन का टेस्ट केस की कोई साढ़े रिपोर्ट पुख्ता रिपोर्ट नहीं हाले आई, लेकिन जिन्हें तो जिन्हें वाधा पूरी कंट्री देखा जा रहा, नॉर्थ इंडिया देखा जा रहा, दिल्ली देखा जा रहा, सो शंका यही कि जारी है, मतलब जायज अपना रख सकते हैं कि ओमीक्रोन का वेरियंट की लोकल स्प्रेड शुरू हो जाएगा। गल करिए की हुण सेहत विभाग वालों की कदम चके जा रहे हैं, शहर की की पोजिशन है, शहर के इस टाइम टोटल केस किन्ने हैं? 160 एक्टिव केस ने, कल 71 नवे केस रिपोर्ट हुए थे थापर के केसिस मिला के, सो थापर तो इलावा भी कुछ एरियाज सानू लोकल फैलाव मिल रहा है, पर वो सारे अलग अलग घर ने हले, तो हले स्थिति कंट्रोल में है सारे। 160 केसिस के सिर्फ 14 लोग ही दाखिल ने, बाकी अपने अपने घर ने, तो हाले कोई सीरीयस केसिस नहीं है बहुत ज़्यादा। कंटोनमेंट जोन तो अलावा जिमें कि बच्चों ने सुनने चाहिए कि प्लैन भी जारी है, लोग बच्चे छड़ के जा रहे हैं, तो किस तरह की सैंपलिंग सैंपल करके उन्होंने भेजा जा रहा है या बिना दसे जा रहा है, कुछ इस तरह का सामने आया थोड़े को? कंटेनमेंट जिहड़ा जोन लाना गया होस्टल नूं, उस विचों बच्चे बिना टेस्ट तों बाहर नहीं जा रहे, होर जिन्हां नूं छुट्टी हो गई है किसी होर वह बच्चे जाना जा रहे होंगे, लेकिन जिहड़े कंटेनमेंट जोन बनाया गया उस तों सारे टेस्ट करके तो बाद ही भेजे जा रहा है, नैगेटिव जिहड़े के आ रहे हैं उन्होंने परमिशन दी जा रही है। हुण सेहत विभाग वालों की उपराला किया जा रहा है, की कदम चके जा रहे हैं भी लोगों नूं अवेयर होण कि या ओमीक्रोन का या खतरा देखने मिल रहा, किस तरह अवेयर कर रहे हैं लोगों? जिथे अवेयरनेस की लोड़ है उत्थे लोग लगातार असं पब्लिक नूं भी दस रहे हैं, खतरे तो अगाह भी कर रहे हैं कि जिहड़ा ओमीक्रोन है जिवें यूरोपियन कंट्रीज़ विच अमेरिका दे विच वध रहा है, एकदम तेजी नाल वध रहा है, उवें हालात साडे इत्थे बन सकते हैं, सो अजिही कोई स्थिति ना बने उस विच सानूं सब नूं रल मिल के साथ देना पेगा, तो अपना भीड़ भाड़ अवॉइड कर, मास्क पहन के रखने की सबनों कोशिश करनी पेगी।
इस अलावा प्रशासनिक अधिकारियों साड़ी मीटिंग लगातार जारी ने, कुछ फैसले अज लिते जाएंगे जिद कुछ रोक लगाई जा सकती है। एक जानते होंगे क्वेश्चन, ओमीक्रोन का खतरा किन्ना है जीवन कि पटियाला जिले की गल करिए रैड जोन के आया से पिछले आप साल देखा वाडा एक धमाका उरे होंदा रहा, कई मौत भी हुई, ओमीक्रोन किन्ना क जानलेवा है इस बारे लोगों को थोड़ा किमें सुचेत रहना चाहिए? देखो जो अंकड़े हले दूजे देशों तो निकल के आ रहे हैं वो यही गल सामने आती है कि प्रपोर्शनली पहला नालों डेल्टा वेरियंट नालों घट घातक साबित हो रहा है, लेकिन क्योंकि फैलाव तेजी नाल है, गिनती वड्डी आ सकती है, बहुत तेजी नाल मरीज आ सकते हैं, सो हले सानू उन्ना ही सचेत रह के चलना पेगा कि जे परसेंटेज घट भी होवे सीरीयस केसां दी पर जे गिनती वड्डी होएगी तो साढ़े फिर हस्पताल भरन की नौबत ना आ जाए, अजिहा सानू मन के चलना पेगा। तो ये साढ़े नाल डॉक्टर समीत सिंह नोडल अफसर पटियाला तो, जिन्हों का कहना सीगा कि लगातार जिहड़े केसिस है थापर कॉलेज के आए हैं लगातार केस बढ़ रहे हैं, अज टोटल 69 केस हो चुके हैं, 500 बच्चों की सैंपलिंग की गई है, पर कितने ना कितने जागरूक होने की लड़ है क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इतने तुम दस दिए पटियाला पिछली बार जो करोना ब्लास्ट होता महामारी बढ़ती है तो इतने रैड जोन घोषित किया गया, कई मौत भी सामने आई हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती गई थी, तो इतने एक चिंता का विषय जरूर है, लोगों को अवेयर होने की लड़ है, सरकार के प्रशासन वालों भी लोगों को जागरूक करन हेतु अज कुछ गाइडलाइनस दे दी जा सकती हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि प्रशासन गल चल रही है, हो सकता आने वाले टाइम के कुछ सख्ती भी कितिया जा। कैमरामैन अविनाश के नाल जनहितैषी लई पटियाला तो चरणजीत सिंह कोहली की रिपोर्ट।